नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको ये बोर्ड बनाना बताऊंगा। इस बोर्ड में कैसे हम वायरिंग करते हैं, कहाँ तार लगाते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। ये बोर्ड दोस्तों कंबाइंड बोर्ड है। कंबाइंड बोर्ड उसको बोलते हैं जो अंदर से ही पूरा बना होता है, जैसा कि आप ये देखिए बना है। और ये वाला बोर्ड हमारा देसी बोर्ड है। ये देखिए हमारा देसी वाला बोर्ड है। इसमें ये पेंच यहाँ ये कसे गए हैं और ये हमारे स्विच सॉकेट अलग से आते हैं, इनको हम रख कर सीट में कस लेते हैं। ये हमारा देसी बोर्ड। देसी बोर्ड हो या ये कंबाइंड बोर्ड हो, कनेक्शन दोस्तों हम एक ही तरीके से करते हैं। एक ही तरीके से कनेक्शन हमारा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो तार लेंगे। वह दो तार लेंगे जिससे इस बोर्ड में लाइट आएगी, करंट आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं दोनों तारों से इस बोर्ड में बिजली आएगी। तो एक तार को हम क्या करेंगे, ऐसे करके स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर हम लगा देंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर ये वाला लगा देंगे। स्विच के नीचे वाले में इसको हम लगा देंगे। इस वाले को हम क्या करेंगे, सॉकेट के इस टर्मिनल पर हम लगा देंगे। ये हमारा इस जगह लग गया, ये हमारा इस जगह लग गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम एक तार लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने तार लिया। इस तार को हम स्विच के ऊपर वाले में लगा देंगे और इस वाले को हम क्या करेंगे, सॉकेट के इस टर्मिनल पर लगा देंगे। और इसको हमने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर लगा दिया। तो दोस्तों, अब हमको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि जो भी हम स्विच का कनेक्शन हम जिस सॉकेट के लिए करते हैं, तो स्विच के ऊपर वाले में हम तार को लगा देते हैं और उसको लगाने के बाद हम इस तरीके से कस लेते हैं। देखिए, आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए, अब हम आपको ये बोर्ड को हम चालू करके दिखाते हैं। ये देखिए, इस बोर्ड में हमारी लाइट है, इस बोर्ड में लाइट है। इसमें हम ये तार को हम लगा देते हैं। ये देखिए, हमने तार को लगा दिया। तार को लगाने के बाद इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए, हमने इसमें बल्ब ये लगा दिया। ये हमारा स्विच सॉकेट, ये हमारा दोनों वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो हमारा हो गया मॉडलर बोर्ड। चलिए, हम आपको देसी वाला भी बोर्ड आपको चेक करा देते हैं और आपको अंतर बताते हैं कि इसमें अंतर कुछ नहीं। देखिए आप ये देखिए, इस बोर्ड में इन दोनों तारों से लाइट आई है, इस बोर्ड में इन दोनों तारों से लाइट आई है। इसमें देखिए, नीला वाला तार यहाँ लगा है सॉकेट के टर्मिनल पर, इसमें भी नीला वाला तार यहाँ लगा है सॉकेट के एक टर्मिनल पर। स्विच के नीचे वाले पे लाल लगा, ये देखिए लाल हमने लगा दिया। इस पर देखिए, स्विच के नीचे वाले पे लाल तार लगा फेस का, इसको हमने इसमें लगा दिया। इस सॉकेट को इस स्विच से करेंगे तो इसके ऊपर वाले से ऐसे करके तार को ला के इसमें लगा देंगे। इस स्विच को इस सॉकेट के लिए करेंगे तो इसके ऊपर से ऐसे करके तार ऐसे लगा दिया गया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से बोर्ड में वायरिंग की जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें।